ये है LG की 17 kg की फ्रंट लोडेड वॉशिंग मशीन एंड ये फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। अब आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ इस वॉशिंग मशीन के स्पेसिफिकेशंस क्या, इसके फीचर्स हैं क्या, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है, कितनी की कॉस्ट होती है इसकी, क्या मॉडल है एंड किस तरीके से इसको ऑपरेट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस प्रोडक्ट के आपके फीचर्स बताने जा रही हूँ। जैसा कि आप फर्स्ट फीचर बिल्कुल सामने देख सकते हैं जो कि लिखा हुआ है इन्वर्टर डायरेक्ट ड्राइव। अब इन्वर्टर डायरेक्ट ड्राइव सिस्टम का मतलब क्या होता है? इन्वर्टर डायरेक्ट ड्राइव सिस्टम का मतलब ये होता है कि इस वॉशिंग मशीन के अंदर एडवांस ब्रशलेस डीसी मोटर है। इसका जो ड्रम है ना तो बेल्ट से सपोर्टेड है और ना ही उसके अंदर कोई पुली है। सो जो डीसी मोटर है वो पूरे ड्रम को ऑपरेट करती है, उसको चलाती है। नेक्स्ट इसका जो फीचर है दैट इज सिक्स मोशन। सिक्स मोशन का मतलब है कि हर तरीके से जो भी आप इसके अंदर इस पैनल पर देख रहे हैं कितने सारे फंक्शंस है, हर तरीके से उन फंक्शंस के लिए अडेप्टेबल है, इजीली अडेप्ट कर जाती है एंड उन फंक्शंस को बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करती है। इस सिक्स मोशन के अंदर ना ही सिर्फ आप सिलेक्टेड ऑप्शंस ऑपरेट कर सकते हैं, साथ साथ में आप कॉम्बिनेशंस भी यूज कर सकते हैं। जैसा कि आपने कोई एक ऑप्शन यूज किया यहाँ पर एंड देन फिर उसके बाद में आपने कॉम्बिनेशन यूज किया तो आप मल्टीपल कॉम्बिनेशंस भी साथ में यूज कर सकते हैं, उसको बहुत आसानी से ही अडेप्ट कर सकती है। एंड इस वॉशिंग मशीन के अंदर इतनी एबिलिटी के जो स्पिन है उसकी जो स्पीड है उसको कंट्रोल वे में रखती है। इसका जो ड्रम है वो लेफ्ट और राइट रोटेशन भी करता है एंड कम्प्लीटली उसको रोटेट भी करता है। सो इसका मतलब हुआ सिक्स मोशन। सो इसके अंदर सिक्स मोशन फीचर भी है। फ्रेंड्स, बिल्ट इन हीटर इज प्रेजेंट इन दिस वॉशिंग मशीन, जो कि अगर हमें अपना कपड़े ड्राई करने हो बिल्कुल आप उसको निकाल सकते हैं अपने वॉशिंग मशीन से, बिल्कुल आपको सूखे मिलेंगे, हल्का सा सिर्फ आयरन करना है एंड आप उसको ईजिली पुट अप कर सकते हैं, आप उनको पहन के भी जा सकते हैं। सो इसके अंदर ड्राइंग कैपेसिटी है और इसके अंदर बिल्ट इन हीटर भी अवेलेबल है। एक्स्ट्रा ऑप्शंस में यहाँ पर चाइल्ड लॉक ऑप्शन दे रखा है जिससे कि आप जो पूरा पैनल है उसको लॉक कर सकते हैं जबकि कोई बच्चा जो है उसको छेड़ ना सके। सो इसमें चाइल्ड लॉक ऑप्शन भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो इसका फीचर है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही मैं बोलूंगी बहुत अमेजिंग फीचर है जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, दैट इज इट मेक्स लेस नॉइज एंड स्पीड को कंट्रोल में रखती है। जितने भी कपड़े आप इसमें लोड करेंगे उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है जिससे कि जो वॉइस है जो नॉइज है वो कम हो और जब हमारे कपड़े रोटेट करें इस वॉशिंग मशीन में या जब धुले तो उसकी बहुत ज्यादा तेज आवाज नहीं हो। नेक्स्ट जो इसका फीचर है दैट इज ऑटो रीस्टार्ट। ऑटो रीस्टार्ट का मतलब है अगर इन केस आपका लाइट का फ्लक्चुएशन होता है या लाइट चली जाती है देन ये वॉशिंग मशीन अपने आप से बंद हो जाएगी एंड जब भी आपकी लाइट आती है जिस पॉइंट से ये बंद हुई है वहां से दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएगी एंड अपनी साइकिल जो है वो कंप्लीट कर लेगी। सो फ्रेंड्स, ये थे इसके सब कुछ बेसिक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स जो एडवांस फीचर्स हैं इसके। अब मैं इसके पार्ट्स का नेमिंग बताती हूँ आपको कि कौन सा पार्ट किस किस काम के लिए है। यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये जो आप इसकी ड्रॉर देख रहे हैं जो कि खुल सकती है, ये है ड्रॉर जिसमें कि हम यहाँ पर डिटर्जेंट इनपुट करते हैं। ये इसका फ्रंट डोर है, ये इसको हम इस तरीके से ओपन करते हैं। इसका जो ग्लास है वो काफी हार्ड है, काफी मजबूत है एंड ये आप देख सकते हैं अंदर इसका ड्रम है एंड ये काफी ज्यादा बड़ा है। जो मैक्सिमम वेट ये ले सकता है दैट इज 94 kgs तक का ये वेट ले सकता है एंड इसकी जो वॉशिंग कैपेसिटी है दैट इज 17 kgs के बाद में अगर जैसे कि आप यहाँ पर इसका फीचर देख सकते हैं 17/9 kgs लिखा हुआ है। 17/9 kgs का मतलब है 17 kg इसकी वॉशिंग कैपेसिटी है जिसमें से कि 9 kg ये आपके जो कपड़े हैं उनको ड्राई कर देगा। ये इसका पावर बटन है, यहाँ से ऑन होती है वॉशिंग मशीन एंड यहाँ से हम स्टार्ट या पॉज कर सकते हैं। बाकी ये इसका डिजिटल पैनल है जिसमें अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हैं किस किस तरीके से हमें वॉशिंग मशीन को किस मोड में ऑपरेट करना है, वो हम अपने यूजेबिलिटी के हिसाब से यहाँ से ऑप्शंस को यूटिलाइज कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, इसकी मैं आपको इंस्टॉलेशन दिखाती हूँ। इसकी इंस्टॉलेशन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ये इसका प्लग है, यहाँ पर हमने प्लग इन कर दिया है और यहाँ पर हमने एक नल इंस्टॉल किया है जहाँ से इसका जो पाइप है जो कि पानी का जो इनलेट है वो चला जाए आसानी से एंड ये इसका पीछे का पार्ट है। सो ये आप देख सकते हैं, ये जो आप वायर देख रहे हैं ये पानी की इनलेट है जहां से कि पानी अंदर जाता है। ये वाली जो आप वायर देख रहे हैं ये पानी की आउटलेट है जो कि वॉशिंग मशीन से जो गंदा पानी निकलता है वो यहाँ से, जो भी वॉशिंग मशीन का जो गंदा पानी है वो यहाँ से बाहर हो जाएगा। ये पाइप है जहां से पानी अंदर आता है एंड ये आउटलेट वाला पाइप है जहां से गंदा पानी जो है वो बाहर जाता है एंड ये इसका प्लग हो गया। अब मैं आपको इसके फीचर्स दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके काफी सारे फीचर्स हैं एंड यहाँ पे अलग अलग तरीके के फीचर्स हैं। कॉटन इको, इजी केयर, एलर्जी केयर, स्पोर्ट्स वेयर,
अगर आपको सिर्फ वॉश करने हैं अपने कपड़े तो 30 मिनट्स में आप इनको वॉश कर सकते हैं। वॉश एंड ड्राई करने का कॉम्बिनेशन है, सिर्फ रिंस और स्पिन करने का भी कॉम्बिनेशन है। तो नाउ फ्रेंड्स, इसको ऑपरेट कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। हम इसका मेन बटन ऑन करेंगे, यहाँ से मैंने पावर सप्लाई ऑन किया है एंड इस नल को मैं खोल दूंगी जहां से पानी जो है वो ऑटोमेटिकली अंदर जाएगा वॉशिंग मशीन के। इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है। देन फिर हम आते हैं इस पार्ट पर, जो मैंने आपको अर्लियर ड्रॉर बताई है, ये ड्रॉर है। इसको मैं इस तरीके से खोलती हूँ एंड ये आप देख सकते हैं, ये मेरी वॉशिंग मशीन है, काफी पुरानी हो गई, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए, तो इसको मैं कंटिन्यूसली यूज करती हूँ। आप इसमें ये 2 पैनल्स देख सकते हैं। अगर आपने कपड़ों को प्री वॉश नहीं करना है तो आप इसमें डालिए एंड अगर कपड़ों को प्री वॉश करना है तो इसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट आपको डालना पड़ेगा, देन यहाँ पर भी आपको डिटर्जेंट डालना पड़ेगा। वैसे ऑल टुगेदर ये प्री वॉश करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जो डिटर्जेंट है वो इस पैनल में डाल सकते हैं एंड फिर उसके बाद में आप इस तरीके से इस ड्रॉर को बंद कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके फीचर्स, जो इसके फीचर्स हैं बड़े ही अच्छे और काफी एडवांस्ड हैं। अगर आपको कॉटन कपड़े यूज करने तो सबसे पहले आप अपने कॉटन कपड़ों को सेग्रीगेट कर लीजिए एंड देन फिर उसके बाद में आप कॉटन मोड पे इसको लगा सकते हैं। अगर आपके कॉटन के कपड़े काफी ज्यादा गंदे हैं तो आप इसको इको मोड में, कॉटन इको मोड को यूज कर सकते हैं। अगर आपके कपड़े बहुत ही सॉफ्ट हैं और आपको इजी केयर की जरूरत है, बहुत जैसे कि आप अपने हाथ से धोते हैं, अगर उस तरीके से अपने कपड़ों को धोना है तो आप इसको इजी केयर को यूज कर सकते हैं। आपको लगता है कि बच्चों के कपड़े हैं या फिर थोड़े सेंसिटिव कपड़े हैं जिससे एलर्जी हो सकती है तो आप एलर्जी मोड को यूज कर सकते हैं। देन फिर हम आते हैं स्पोर्ट्स वेयर, जैसे कि हमारे स्पोर्ट्स वेयर के कपड़े होते हैं, देन आप इस स्पोर्ट्स वेयर को यूज कर सकते हैं। थिक ब्लैंकेट्स होती हैं या फिर सर्दियों के कपड़े होते हैं, स्वेटर्स होते हैं, तो आप इस वूल ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। इस क्विक 30 ऑप्शन का मतलब है सिर्फ आपको अपने कपड़े वॉश करने हैं, ड्राई नहीं करने हैं, तो आप इस क्विक 30 को ऑपरेट कर सकते हैं। ये आपकी पावर भी सेव करेगा एंड 30 मिनट्स के अंदर आपके सारे कपड़े जो हैं वो अच्छी तरीके से वॉश भी हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन इज रिंस प्लस स्पिन। यहाँ पर आपके जो कपड़े हैं वो रिंस होते हैं और स्पिन होते हैं अच्छी तरीके से, आपके कपड़े ड्राई नहीं होंगे एंड ये ऑप्शन है वॉश और ड्राई का, जहां पर आपको सिर्फ अपने कपड़े जो है पानी से निकालने हैं और उनको ड्राई कर देना है। आपको अपने कपड़े ड्राई करने हैं, उनको सुखाना है, सपोज अगर बारिश वगैरह पड़ी है और आपको वो कपड़े जो है धुले हुए कपड़े इनफैक्ट और आपको धोने नहीं है, उनको सिर्फ ड्राई करना है, तो आप इस ड्राई ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। अब इन सारे ऑप्शंस को कैसे यूज करना है, सो यहाँ पर बहुत सिंपल है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था ये पावर बटन है, इस तरीके से आपकी जो मशीन है वो ऑन होगी और सपोज अगर मेरे को कपड़ों को कॉटन मोड में लेकर आना है तो ये जो इसका सर्कुलर डिस्क है इसको मैं इस तरीके से रोटेट करूंगी। ये आप देख सकते हैं मैंने कॉटन पे वो किया। अगर मुझे कॉटन इको में अपने कपड़ों को धोना है तो मैं इस ऑप्शन को कॉटन इको की तरफ वो कर दूंगी, यानी एरो कायदा कॉटन इको की तरफ आएगा एंड यहाँ पर आप ये स्टार्ट और पॉज बटन देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर कॉटन इको पर टैप किया और फिर इसके बाद में स्टार्ट बटन को ऐसे दबा दिया एंड ये आपने अभी आवाज सुनी है, यहाँ पर हमारी जो मशीन है वो लॉक हो चुकी है एंड ये लॉक का सिंबल आपको इस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे देगा, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर लॉक का सिंबल आ गया है। अगर आपने कॉटन इको का ऑप्शन सेलेक्ट किया है देन आपको उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, किस किस तरीके से उसकी प्रोसेसिंग होती है, वो आपको इस पैनल पर दिख जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं वॉश रिंस और स्पिन है, ये हमने कॉटन इको पर लगाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कॉटन इको पर इंडिकेशन है इसका एंड प्रोसेसिंग इसकी जो है वॉश रिंस और स्पिन है और यहाँ पर सारे जितने भी कपड़े हैं उनको 1.5 घंटा लगेगा, 1 hour 27 minutes लगेंगे पूरे प्रोसेस को, पूरी साइकिल को कंप्लीट होने में। और इनकेस अगर आपको बीच में बंद करना है तो आप इस ऑप्शन को पॉज कर सकते हैं। यहाँ से मैं इस ऑप्शन को इस तरीके से पॉज कर सकती हूँ, ये मैंने पॉज कर दिया एंड यहाँ पर मेरी वॉशिंग मशीन जो है वो बंद हो गई है और जो इसका जो लॉक है, जो लॉक जो सिंबल है वो हट गया है। इसका मतलब ये है कि हम अपनी वॉशिंग मशीन को खोल सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने इस तरीके से वॉशिंग मशीन को खोल दिया है। इनकेस अगर मुझे चलते चलते याद आया कि ये मेरे कपड़े रह गए हैं तो मैं इस पॉज बटन को दबा सकती हूँ, अपने कपड़ों को इनपुट कर सकती हूँ, वापस मैं इस तरीके से डोर को बंद करूंगी एंड देन फिर उसके बाद में मैं इसको वापस ऑन कर दूंगी। यहाँ पर मैंने ऑन किया है एंड थोड़ी देर में आप देखेंगे कि यहाँ पर लॉक का सिंबल आ गया है। सो दोबारा से मेरी जो साइकिल है वो स्टार्ट नहीं हुई है, वहीं से मेरी जो साइकिल है वो शुरू हो गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे कि टाइम डिले, इन केस अगर आपको अभी कपड़े नहीं धोने हैं तो आप अपना जो टाइम है यहाँ से आप इसको पावर को ऑन करेंगे। यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया एंड यहाँ पर मैंने टाइम डिले का ऑप्शन चूज किया। अब टाइम डिले का ऑप्शन हम किस तरीके से चूज करेंगे, सपोज मैंने कॉटन इको को
सपोज मैंने कॉटन ईको को सेलेक्ट किया है, यहाँ पर मैंने कॉटन ईको का मोड सेलेक्ट किया है और मेरे को अभी कपड़े नहीं धोने हैं, तो मैं टाइम डिले का ऑप्शन चूज कर दूंगी। सो यहाँ पर मैंने टाइम डिले का ऑप्शन चूज किया है, ये 3 घंटे बाद में अपने आप से वॉशिंग मशीन चलने लग जाएगी। 1 घंटा 27 मिनट में ये पूरी की पूरी साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। एंड कितनी आरपीएम पे हमारी वॉशिंग मशीन रोटेट करेगी उसके भी फिगर्स दे रखे हैं, जैसे कि 1200 आरपीएम पे हमारी स्पिन करेगी, टेम्परेचर जो अंदर का मेंटेन रहेगा वो होगा 60 डिग्रीज, और रिंस करेगी ये नॉर्मल स्पीड पे। अगर आपको इसको इंटेंसिव करना है तो आप इंटेंसिव ऐसे ऑप्शंस को यहाँ से चूज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने इस तरीके से ऑप्शंस चूज कर रही हूँ। अब हम आते हैं इसके और एक्स्ट्रा जो ऑप्शंस दे रखे हैं। यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी चाइल्ड लॉक का बताया था, अगर आप इसको दबाएंगे 3 सेकेंड तक के लिए तो ये चाइल्ड लॉक हो जाएगा पूरा का पूरा पैनल। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप जैसे कि इम्पॉर्टेंट एक ऑप्शन देख सकते हैं, वो है आयरन या फिर टब क्लीन। ये बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है, एंड ये ऑप्शन दे रखा है हमारी वॉशिंग मशीन को क्लीन करने के लिए। सो अगर हम इस ऑप्शन को कंटिन्यूसली 3 सेकेंड्स के लिए दबाते हैं तो इस तरीके से एक तो लाइट जल जाएगी, एंड इसमें आपको डी स्केलर यूज़ करना है जो कि वॉशिंग मशीन को इंटरनली काफ़ी अच्छी तरीके से अंदर से साफ करता है, जिससे कि हमारी जो वॉशिंग मशीन के अंदर जो गंदगी है वो कम्प्लीटली निकल जाए। अब डी स्केलर क्या होता है, किस तरीके से उसको यूज़ किया जाता है, उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई है, एंड उसको किस तरीके से यूज़ करना है उसका भी मैंने आपको यूसेज बताया, उसका लिंक वीडियो का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। डी स्केलर को हम इस वाले पैनल में जो हमारी ड्रॉअर है उसमें डालेंगे एंड फिर उसके बाद में इसको बंद कर देंगे। जब हम डी स्केलर यूज़ करें तो हमें कोई भी जो कपड़ा है वो नहीं रहने देना है वॉशिंग मशीन के अंदर, खाली वॉशिंग मशीन चलेगी, एंड सिर्फ आपको ये टब क्लीन वाला ऑप्शन जो है वो प्रेस कर देना है, एंड फिर यहाँ से आप स्टार्ट बटन को ऑन कर सकते हैं जिससे कि हमारी जो वॉशिंग मशीन है इंटरनली कम्प्लीटली क्लीन हो जाएगी। सो फ्रेंड्स ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस वॉशिंग मशीन है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं, एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें इन्वर्टर डायरेक्ट ड्राइव मोटर है जो कि काफ़ी एडवांस मोटर है जो कि इस वॉशिंग मशीन में इंस्टॉल्ड है। सो इसकी जो वारंटी है वो 10 साल की वारंटी है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि LG ने मेंशन करके रखा हुआ है, यहाँ पर स्टिकर बकायदा चिपकाया हुआ है। तो जो मोटर की जो वारंटी है दैट इज फॉर 10 ईयर्स। अब अगर हम इसकी वॉशिंग मशीन की वारंटी की बात करें कि अगर इन केस इसके अंदर कोई डिफेक्ट आता है तो इसका क्या वारंटी है, दैट इज फॉर 2 ईयर्स। और प्लास्टिक की वारंटी नहीं है, जो कि प्लास्टिक और फ्रंट फेस जो इसमें लगा हुआ है जो ये प्लास्टिक है उसकी वारंटी नहीं है, या फिर जो इसका स्ट्रक्चर आउटर स्ट्रक्चर है बेसिकली इसकी वारंटी नहीं है, बाकी इसके पार्ट्स की वारंटी है फॉर 2 ईयर्स की। एंड अब अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें कि कितनी कॉस्ट की पड़ेगी, सो ये 17 kg की वॉशिंग मशीन है, इसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख की पड़ेगी। आप इसको आसानी से LG शॉपी पर शॉप कर सकते हैं, आसानी से आपको ये LG शॉपीज पर मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स ये थी काफ़ी ज़्यादा हाई एंड फुली ऑटोमेटिक फ्रंट लोडेड 17 kg की LG की वॉशिंग मशीन, एंड इसके काफ़ी एडवांस फीचर्स हैं जो कि मैंने और किसी और वॉशिंग मशीन्स में नहीं देखे, और हाईली एडवांस है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप अपने अलग अलग तरीके से मोड्स को यूज़ कर सकते हैं, अपने कपड़ों के हिसाब से मोड्स को यूज़ कर सकते हैं, एंड ये कपड़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, कोई रिंकल्स नहीं आते कपड़ों के अंदर और कोई मरोड़ नहीं होता, जैसे कि तैसे आप कपड़ों को निकालें उनको सुखाएं और आप आसानी से उनको पहन सकते हैं। अगर हमने देखा है कि वो कुछ कुछ वॉशिंग मशीन्स में कपड़े जो है वो बिल्कुल उनमें सरवटे हो जाती हैं, इस वॉशिंग मशीन में ऐसा नहीं होता है। फ्रेंड्स होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अपने कमेंट्स मेरे साथ में कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें।